उस कंपनी की तिजोरी में कितना पैसा जाएगा, यह है टकराव। और इसी टकराव के चलते हुए वो हजारों हजार की संख्या में कर्मचारी यहाँ आया था। एक तरफ से वित्तीय पूंजी खड़ी है और उस वित्तीय पूंजी के साथ राज खड़ा है और राज का तंत्र खड़ा है, और दूसरी तरफ से आम आवाम खड़ी है, उसकी आकांक्षाएं हैं, उसकी मांग है उसके जीवन यापन को बेहतर करने की। इसके बीच संघर्ष चल रहा है और उस संघर्ष में मेरा मत उनके साथ है जो पीड़ित है, मेहनतकश है, कर्मचारी है, उसके साथ है। और ये टकराव आने वाले दिनों में महेंद्र सिंह जी तेज होने वाला है, तेज होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस समय गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर मैंने बात रखी, इट इज गोइंग टू बी दी बैटल ऑफ वाटरलू। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरी बात को आप नेगेटिव नहीं ले, पॉजिटिवली ले। ये जो आपने मन बना दिया, जो कर्मचारी आए थे उनके खिलाफ मुकदमे दायर करने, प्लीज डोंट डू इट, उल्टा पड़ेगा। मैं एक जिक्र करना चाहता हूं सदन में, वीरेंद्र चौहान ही इज वन ऑफ द लीडर्स, और मेरी जानकारी में उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठा दी। किस बात की कि अपंगता है कि नहीं, प्लीज डोंट डू सच अ थिंग। चौपाल में बस एक्सीडेंट हुआ एंड इन दैट बस एक्सीडेंट 24 पीपल डाइड ऑन द स्पॉट, ही वॉज वन ऑफ देम। बच गया बेचारा, 3-4 बचे थे। ये कब हुआ? 96-97 में हुआ मेरे ख्याल, ये नेरवा में एक्सीडेंट हुआ, मोस्ट सीरियस एक्सीडेंट, और बच गया वो। पता नहीं कितने हॉस्पिटल से वो आके आया एंड इंक्वायरी एक दफा नहीं, एक दफा पहले बैठा दी, उसमें पाया गया अपंगता है। आज दोबारा बैठा दी इंक्वायरी, क्यों? क्योंकि वो उन लोगों के साथ आया जो ये कहते हैं पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म करो, नई पेंशन स्कीम को लागू करो। क्या गुनाह है? बिल्कुल मैं राजेंद्र राणा से सहमत हूं। यह एक प्रश्न उठ गया है, मैं पहले दबी आवाज में कहता था, आज खुल के कह रहा हूं, पूरे जोर से कह रहा हूं सदन के अंदर, माननीय महेंद्र सिंह जी, प्रश्न चिन्ह उठ गया है, अगर मैं लूंगा पेंशन और दूसरे को ये सबक दूंगा तुझे नहीं मिलेगी, तो ये समझ लो हमारी पेंशन बचेगी नहीं। और अगर आपने अपनी पेंशन बचानी है तो उसकी पेंशन की बात हमें करनी पड़ेगी, खुल के करनी पड़ेगी। क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद जब रिटायर होता है, अगर सिर्फ 1,000, 2,000, 3,000 उसके हाथ में आएंगे, वो अपना जीवन का जो बचा समय है, जो सोशल सिक्योरिटी चाहिए, उसे नहीं कर सकता। यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैंने पीछे भी कहा है इस प्रश्न को लेकर, ये प्रश्न का भी आपको जवाब देना पड़ेगा जो आज कर्मचारी उठा रहा है। ये जो बहुत सा वो आपने ऐसे जो उसकी पे में उसकी बहुत सी बाधाएं आ गई है, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये बहुत चिंता का विषय ये हमारे हिमाचल प्रदेश को होगा।